हे ब्यूटीज, वेलकम बैक टू माय चैनल। क्या आप लोगों को कहीं जाना है, आपके पास एकदम टाइम नहीं है, तो आप लोग सिर्फ और सिर्फ 5 मिनट में कैसे रेडी हो सकते हो, मैं आज आप लोगों को इस वीडियो में यही बताने वाली हूँ। तो मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ ए ब्यूटीफुल सा सिंपल सा नो मेकअप मेकअप लुक। तो मैं आज आप लोगों को बताऊंगी कि आप लोग एकदम कम टाइम में कम प्रोडक्ट के साथ किस तरीके से रेडी हो सकते हो, जिससे कि आप लोग प्रेजेंटेबल भी देखो और ऐसा भी नहीं लगे कि आप लोग ने बहुत सारा मेकअप कर रखा है। अगर आप लोग जानना चाहते हो कि आप लोग सिर्फ और सिर्फ 5 मिनट में कम प्रोडक्ट के साथ कैसे रेडी हो सकते हो, आप लोग वीडियो को बिना स्किप किए पूरा जरूर देखिएगा। वीडियो पसंद आती है तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करिएगा और हाँ, सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो चलो ज़्यादा बात नहीं करते, वीडियो स्टार्ट करते हैं। कम ऑन, लेट्स गेट स्टार्टेड। हे ब्यूटी, सबसे पहले हम अपने हेयर को कवर कर लेंगे, जिससे कि हेयर हमें डिस्टर्ब ना करे, क्योंकि क्या होता है जब हम लोग जल्दी में होते हैं ना, हेयर ज़्यादा ही डिस्टर्ब करते हैं। उसके बाद हमें अपना फेस वॉश कर लेना है, तो मैंने अपना फेस वॉश कर लिया है। फिर मैं ले रही हूँ यहाँ पे एक गुड वाइब्स का नीम एंड तुलसी टोनर, और इसको मैं अपने फेस में स्प्रे कर लूँगी और इस तरीके से डैप डैप कर लूँगी। नेक्स्ट मैं ले रही हूँ एक गुड वाइब्स का एलोवेरा जेल, तो मैं इसे अपने फेस में अप्लाई करने वाली हूँ। एलोवेरा जेल ने हमारे फेस को मॉइस्चराइज भी करेगा और हमारे जो पोज होते हैं ना, उसे भी मिनिमाइज कर देगा, क्योंकि हम आज इस मेकअप लुक में ज़्यादा प्रोडक्ट यूज करने वाले नहीं हैं, तो इसीलिए मैं ये एलोवेरा जेल अप्लाई कर रही हूँ। नेक्स्ट मैं ले रही हूँ ए पॉन्ड्स की बीबी क्रीम, और मैं आज कोई फाउंडेशन एंड कंसीलर वगैरह यूज करने वाली नहीं हूँ। और आप लोगों को इसमें SPF 30 भी मिल जाता है, जो कि अच्छा खासा सनस्क्रीन का भी काम करता है। हाँ, अगर आप लोग ज़्यादा कहीं धूप में जा रहे हो तो आप लोग इससे पहले सनस्क्रीन भी अप्लाई कर सकते हो। तो मैं इसको एकदम थोड़ा सा लेकर अपने पूरे फेस में डॉट डॉट कर लूँगी। हम अपने अंडर आई एंड आईलेट में भी बीबी क्रीम को अप्लाई कर लेंगे। फिर इसे फिंगर की हेल्प से ही मैं ब्लेंड कर रही हूँ। आप चाहो तो ब्यूटी ब्लेंडर से भी ब्लेंड कर सकते हो। और ब्लेंड करते टाइम आप लोगों को एक बात का ध्यान देना है, मतलब घिसना नहीं है। डैप डैप करते हुए फिंगर की हेल्प से ब्लेंड करिएगा, आप लोग देख पाओगे इजिली ब्लेंड हो जाएगी, आप लोगों को अच्छी खासी फिनिशिंग मिल जाएगी। और मुझे लग रहा था ना कि हमारे अंडर आई में फिर थोड़ा डार्क सर्कल दिख रहे हैं, कवर नहीं हुए हैं, तो मैंने फिर से वही बीबी क्रीम को लेके अपने अंडर आई में अप्लाई किया है। अगर आप लोगों को भी लग रहा है कि आप लोगों के अंडर आई कवर नहीं हुई है, तो आप लोग सेकेंड टाइम भी थोड़ा सा लेके बीबी क्रीम अप्लाई कर सकते हो। और मैं अपना नेक भूल गई थी, तो मैंने अपने नेक में भी बीबी क्रीम को अप्लाई कर लिया है और फिंगर की हेल्प से ब्लेंड कर ले रही हूँ। यहाँ पे हमारी बीबी क्रीम अच्छे से ब्लेंड हो चुकी है, आप लोग देख सकते हो अच्छा खासा कवरेज मिल चुका है, मीडियम कवरेज। उसके बाद मैं ले रही हूँ यहाँ पे मेबलिन का कॉम्पैक्ट, इसकी हेल्प से मैं अपनी बीबी क्रीम को सेट कर लेंगे। सबसे पहले मैं अपनी अंडर आई को सेट करूँगी, क्योंकि क्या होता है अंडर आई में ना ज़्यादा क्रीज पड़ने के चांसेस होते हैं। तो सबसे पहले मैंने अपने अंडर आई को सेट किया, उसके बाद मैं अपने पूरे फेस को अच्छे से सेट कर लूँगी। नेक्स्ट मैं ले रही हूँ एमिस क्लियर की आईब्रो पेंसिल, और इससे मैं अपने आईब्रो को फिल करूँगी। और एक अच्छी आईब्रो पेंसिल है, आप लोगों को 100 रुपीज़ की मिल जाती है। अगर आप लोग कोई अच्छी आईब्रो पेंसिल ढूंढ रहे हो तो इसे ज़रूर परचेस कर सकते हो। और इसकी हेल्प से मैं एकदम हल्के हाथों से अपने आईब्रो को फिल कर लेंगे। उसमें स्पूली भी मिल जाती है, तो इसी से अपने आईब्रो को ब्रश कर लेंगे। और मेरी आईब्रो ना भी बनी हुई नहीं थी, तो थोड़ी आप लोगों को इस तरीके से मोटी मोटी दिख रही होगी। और नेक्स्ट मैं ले रही हूँ यहाँ पर SQ की लिपस्टिक, और इसको एक ना बहुत न्यूड पिंक शेड है, और इसको अपनी आईलिड में इस तरीके से एजा आई शेडो की तरह अप्लाई करूँगी, एकदम हल्का हल्का डार्क नहीं करूँगी, और फिंगर की हेल्प से इसे ब्लेंड कर लेंगे। आपके पास जो लिपस्टिक है आप उसे अप्लाई कर सकते हो। और ये ना एकदम लाइट लग रही थी, तो मैंने थोड़ा सा और इस तरीके से डॉट डॉट किया अपने आईलिड में, और फिंगर की हेल्प से अच्छे से ब्लेंड कर रही हूँ। उसके बाद मैं क्या कर रही हूँ, ब्रश में जितना लगा हुआ था ना, मैंने सारा क्लीन कर दिया है, और अपनी लोअर लैश लाइन के नीचे देखो इस तरीके से अप्लाई किया है। फिर फिंगर की हेल्प से ब्लेंड कर रही हूँ। इससे क्या होता है, एक अच्छा सा लुक आता है, नेचुरल लुक आता है, ऐसा भी अच्छा लगता है। तो मैंने अपने लोअर लैश लाइन में इस तरीके से फिंगर से वही लिपस्टिक को ब्लेंड कर लिया, और आप लोग देख सकते हो पास से भी कितना अच्छा लुक आ रहा है। नेक्स्ट मैं ले रही हूँ एबेगा का आई लैश कलर, इसकी हेल्प से मैं अपनी आई लैश को कर्ल कर लूँगी। और इसमें मैं कोई आईलाइनर एंड काजल वगैरह यूज नहीं कर रही हूँ, इसलिए हमारा आईलैश का अच्छा लुक आए, इसलिए मैं आईलैश को कर्ल कर रही हूँ। उसके बाद मैंने यहाँ पे लिया हुआ है मार्स का मस्कारा, और ये मस्कारा ना बहुत अच्छा है, बहुत बहुत ही ज़्यादा। तो इसकी हेल्प से मैं अपनी लोअर लैश एंड अपर लैश को अच्छे से कोट कर लूँगी। और मतलब इस मस्कारा को अगर आप लोग यूज करो ना, तो फिर मतलब आईज़ का लुक ही चेंज हो जाता है, आप लोग डिफरेंस देख सकते हो दोनों आईज़ में। इसी तरीके से मैं अपनी दूसरी आईज़ के लैसेस में भी मस्कारा अप्लाई कर लूँगी। उसके बाद मैं फिर से वही लिपस्टिक ले रही हूँ और अपने चिक्स में इस तरीके से डॉट डॉट करूँगी, फिर अपने फिंगर के हेल्प से ब्लेंड कर लूँगी। और लिक्विड लिपस्टिक को अगर आप लोग ब्लश की तरह अप्लाई करते हो ना, तो आप लोग एक बात का ध्यान रखिएगा,
मतलब डॉट डॉट करके ना तुरंत ही इसे ब्लेंड कर लीजिएगा, छोड़िएगा मत। अगर ये ड्राई हो जाएगी ना तो ब्लेंड करने में थोड़ी प्रॉब्लम होगी। और लिक्विड लिपस्टिक को ब्लश अप्लाई करने का बस यही फायदा है, ये ना पूरा दिन टिकता है, बहुत ही लॉन्ग लास्ट रहता है, पूरा दिन टच से मस नहीं होता है। उसके बाद मैं उसी लिपस्टिक को लिप्स में अप्लाई कर लूँगी। और एक ना बहुत ही प्यारा पिंक न्यूड सॉफ्ट सा कलर है, बहुत अच्छा कलर है। और आप लोग इस मेकअप लुक के साथ किसी भी कलर का लिपस्टिक लगा सकते हो, क्योंकि मेकअप एकदम लाइट है तो इसके साथ किसी भी कलर की लिपस्टिक जाएगी। आप अपने पसंद की लिपस्टिक अप्लाई कर सकते हो। आप लोगों ने देखा मैं कैसे सिर्फ और सिर्फ 5 मिनट में रेडी हो चुकी हूँ, तो आप लोग भी सिर्फ और सिर्फ 5 मिनट में इस तरीके से रेडी हो सकते हो। और मतलब इसे ही बोलते हैं नो मेकअप मेकअप लुक, एकदम सिंपल सा मेकअप। बस आप अपने पसंद का इयरिंग्स पहन लीजिएगा, हेयर स्टाइल बना लीजिएगा, आप रेडी हो कहीं पर भी जाने के लिए। और आप लोग इस लुक में छोटा मोटा फंक्शन भी अटेंड कर सकते हो। तो फिर चलो देख लो फाइनल लुक।